दोस्तों, अमेजन आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। दोस्तों, अगर आप भी अमेजन के एसोसिएट बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं और बनकर घर बैठे बिठाए अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो अब अमेजन शॉपिंग वेबसाइट की परमिशन से आप उसकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को 100% फ्री में लीगल तरीके से कॉपी कर सकते हैं और आप अपनी एक 100% फ्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाकर उसे वहां पेस्ट कर सकते हैं और घर बैठे बैठाए 10% तक का कमीशन लाइफ टाइम कमा सकते हैं, और वहां से कमाया गया कमीशन आप अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको इसी वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप अमेजन के एसोसिएट पार्टनर कैसे बनेंगे और एक अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बिल्कुल 100% फ्री में कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी 5 से 10 मिनट में। दोस्तों, मैं आज आपको इसी वीडियो में ये सब चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ ये सिखाने वाला भी हूँ कि आप ये काम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप अमेजन के एसोसिएट पार्टनर कैसे बनेंगे। उसके लिए मैं आपको अमेजन एसोसिएट पार्टनर की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये काम आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लें और उसे डेस्कटॉप मोड में करके वहाँ पे आप अमेजन एसोसिएट सर्च कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूँ जहाँ से आप अमेजन के एसोसिएट पार्टनर बनेंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट को आप गूगल में जाके सर्च कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है। दोस्तों, जिस वेबसाइट को मैंने हाईलाइट किया है, इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है, affiliate-program.amazon.in को आपको अपने गूगल में जाके सर्च कर लेना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अमेजन का एसोसिएट पार्टनर बनने के लिए साइन अप पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं तो यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप ये काम घर बैठे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको बता दोस्तों, यहां से आप अमेजन की कॉपी वेबसाइट बना लेंगे और आपको यहां पर कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए अमेजन की टीम ही सारा काम करेगी, आपकी रिटर्न लेगी, आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर भी लेगी, रिफंड भी करेगी, सारा काम अमेजन की टीम करेगी। बस आपको एक बार ये वेबसाइट सेटअप कर लेनी है जो कि बिल्कुल 100% फ्री है, आपकी जेब से एक रुपया भी नहीं लगता, और आप घर बैठे ये काम एक बार आपने कर लिया तो आपको घर बैठे 10% का कमीशन पूरे लाइफ टाइम तक आएगा और यहाँ आने वाला कमीशन आप अपने बैंक में इजली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि अमेजन में आपको कैसे एसोसिएट पार्टनर बनना है। इसके लिए आपको यहाँ साइन अप का बटन दिख रहा है इनके होम पेज पे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पे अब क्या करना है। पेज आपके सामने खुल गया है, यहाँ पे आपको नीचे आना है और ये क्रिएट योर अमेजन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर से पासवर्ड दोबारा आपको भरना है और क्रिएट योर अकाउंट कर देना है। चलिए, यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी डिटेल भर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल भर ली है, आपको भी अपनी डिटेल ऐसे भरने के बाद क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। दोस्तों, अब आपके सामने वेरीफाई ईमेल एड्रेस का पेज खुल गया है। यहाँ पे देखिए, लिखा है, टू वेरीफाई योर ईमेल वी हैव अ सेंड वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखा है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर अमेज़न की तरफ से एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आपको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। तो चलिए, मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस पे ले चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, वो ईमेल है जो अमेज़न की तरफ से भेजा गया है और इसमें देखिए ये ओटीपी लिखा हुआ है। मैं इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर ले चल के इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, पेस्ट कर देना है आपको। जैसे ही आप पेस्ट करिए, उसके बाद आपको क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, इस पेज के ऊपर देखिए लिखा हुआ है, क्रिएटिंग योर अमेज़न एसोसिएट अकाउंट। यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भरनी है। प्लीज़ नोट,
यू मस्ट आप प्रोवाइड अ वैलिड बैंक अकाउंट इन इंडिया टू रिसीव पेमेंट। आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने के लिए अपना एक वैलिड अकाउंट नंबर देना है जो इंडिया के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे आपको पे नेम भरना है। यहाँ पे नेम का मतलब वो नाम जिस नाम से आपने बैंक में खाता खुलवा रखा है, वो नाम आपको यहाँ भर देना है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पे आपको सिटी भर देनी है, यहाँ देखिए स्टेट लिखा है, यहाँ आपको स्टेट भरना है। और उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आपको पोस्टल कोड मतलब पिन कोड, आपको अपने एरिया का पिन कोड भर देना है। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही सेट रहेगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको द पे लिस्टेड एवब इसी वाले पर टिक रहने देना है। और फॉर US टैक्स पर्पसेज में आपको नो पर टिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको नो पे टिक करना है, और नो पे टिक करने के बाद आपको सबमिट पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ नेक्स्ट का बटन आ रहा है, ये सब डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपनी जल्दी से डिटेल भर लेता हूँ, उसके आगे आपको समझाता हूँ। अब यहाँ डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा, तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आपके सामने ये वाला जो विंडो खुलेगा, यहाँ से आपको अपना ओरिजिनल एड्रेस, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ओरिजिनल एड्रेस लिखा है, आपको यही वाला सेलेक्ट करना है। और एक ये अपनी तरफ से सजेस्ट करता है कि आप ये वाला एड्रेस तो नहीं है आपका, लेकिन आपने जो अपने हाथ से भरा है अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप ये ओरिजिनल एड्रेस सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको ये वाला ठीक लग रहा है तो आप सजेस्ट एड्रेस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए सेलेक्ट ओरिजिनल एड्रेस पे क्लिक करूँ। अब इस पेज पे आपसे वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप की लिस्ट मांग रहा है। अब यहाँ पे आपको इंटर योर वेबसाइट, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। अब मैं आपको इस पेज पर यहीं छोड़कर वहाँ लेके चलूँगा जहाँ से आप अपनी 100% फ्री में लाइफ टाइम तक फ्री वाली वेबसाइट बना पाएंगे, जो अमेजन की हूबहू एकदम कॉपी वेबसाइट होगी। जैसे अमेजन की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, वैसे ही आपकी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट दिखाई देगी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पैसा लाइफ टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करना है, और आपको घर बैठे बिठाए 10% तक का कमीशन आपके अकाउंट में हर महीने की 20 से 30 तारीख तक आता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी 100% फ्री वेबसाइट कहाँ से बनाएंगे। दोस्तों आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल साइट, एक ये गूगल का टूल है, उसे खोल लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये गूगल की वो साइट है, गूगल साइट डॉट साइन इन जहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सर्च कर लेना है। ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे भी मैंने गूगल साइट, आपको ये सर्च कर लेना है। आप ये काम अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे ये वेबसाइट सेटअप जो है वो कैसे करना है। आपको यहाँ पे गूगल साइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गूगल साइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। दोस्तों देखिए ये पेज खुल रहा है, ये देखिए पेज खुल गया है आपके सामने। देखिए लिखा है स्टार्ट अ न्यू साइट, आपको यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू साइट बनाने के लिए ब्लैंक वाले पर, पहले वाले पे जहाँ प्लस का सैम्पल बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी होंगी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। बिल्कुल ये हूबहू अमेज़न की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की कॉपी वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, कहीं पे कोई भी अमाउंट खर्च नहीं करना है, बस घर बैठे आपको ये सारा काम कर लेना है जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये पेज खुल गया है, यहाँ पे आपको अपने साइट का नाम लिखना है। यहाँ पे आप पहले से ही अपनी साइट का नाम एक अच्छा सा नाम सोच के रख लें। दोस्तों आपकी साइट में कहीं भी अमेजन कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए, ये अमेजन कंपनी की तरफ से मनाही है। आप उनकी वेबसाइट को लीगल तरीके से कॉपी कर सकते हैं, ये परमिशन वो खुद आपको देते हैं कि भैया आप मेरी वेबसाइट को कॉपी कर लो और उसे कहीं भी ले जाके अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दो, और अपनी वेबसाइट का लिंक आप कहीं प्रोवाइड करो, उस लिंक से जो भी परचेजिंग होगी हम आपको उसका 10% तक का कमीशन आपके बैंक अकाउंट। मैं अपनी साइट का नाम यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, मैंने अपने साइट का नाम बेस्ट स्टोर लिख लिया है। दोस्तों इसी के नीचे आपको ये ऐड लोगो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप अगर आप लोगो बनाना नहीं जानते तो मैंने लोगो कैसे बनाएं उस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगो बनाना सीख जाएंगे।
दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको लोगो यहाँ पे कैसे ऐड करना है। आपको ये ऐड लोगो पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड लोगो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लोगो, यहाँ से आप लोगो को अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे, लोगो अपलोड हो जाएगा। इसके नीचे ही फैब आइकन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी आप फैब आइकन भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फैब आइकन नहीं जानते क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि ये अमेज़न के बगल जो छोटा सा देखिए ए लिखा हुआ है, यही फैब आइकन होता है। इससे आपकी वेबसाइट का लिंक के बगल ही आपका ये छोटा सा आइकन दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लोगो ऐड करके दिखाता हूँ। आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में जहाँ पे भी सेव होगी वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ से लोगो अपडेट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लोगो बना के रखा है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। देखिए ये आ गया, ये देखिए दिखने लगा यहाँ पे, जो लोगो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको फाइव आइकन भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए फाइव आइकन लगाने के लिए भी आपको अपलोड पर जाना है और जहाँ पर आप फाइव आइकन रखे होंगे उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये दिख गया, ये फैब आइकन मैंने बना रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से यहाँ से इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके नीचे ये फैब आइकन दिखने लग गया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सिंपली जो है वो क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देते हैं विंडो, ये देखिए यहाँ पर ये आइकन दिखने लगा है देखिए। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ टाइटल लिख सकते हैं, पेज का टाइटल अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। दोस्तों अब ये आपकी वेबसाइट के पीछे का जो बैकग्राउंड है आप इसे भी बदल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हटाना चाहें तो यहाँ डिलीट कर दें तो ये भी डिलीट हो जाएगा, और चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक अपलोड का, एक सेलेक्ट इमेज का। दोस्तों यहाँ से आप अगर अपना कोई पर्सनल बैकग्राउंड बनाया हुआ है तो आप यहाँ से अपलोड कर दें, और नहीं तो सेलेक्ट इमेज पे गूगल की तरफ से कुछ कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड दिए जाते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं में से एक बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका बैकग्राउंड चेंज होने पे दिखाई देगा। चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, या ये वाला ले लेता हूँ। चलिए ये वाला क्लिक करके यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ देखिए जो ये जगह है यहाँ पर आपको कुछ टूल अभी खुल जाएंगे, उससे आप अपने ये बैकग्राउंड को जो है एडजस्ट कर पाएं। दोस्तों ये देखिए जो एंकर का इमेज बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आप जैसे भी इमेज ऊपर नीचे करना चाहें, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इससे आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं ठीक है। और सेंटर रखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सेंटर में ये आ जाएगा। देखिए सेंटर में आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको इस वेबसाइट में आपने अपना नाम लिख लिया, लोगो लगा दिया, सब कुछ हो गया, अब आपको इस वेबसाइट को कैसे लिंक मिले। पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। देखिए लिखा है यहाँ पब्लिश टू द वेब। यहाँ पे आपको अपना एक यूनिक वेब एड्रेस बनाना है, अगर वो यूनिक नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बेस्ट स्टोर लिखता हूँ तो क्या लिख के आता है। देखिए लिख रहा है दिस इज़ अ ग्रेट एड्रेस बट इट इज़ ऑलरेडी बीन टेकन, मतलब इसे पहले से ही किसी के द्वारा यूज़ किया जा चुका है, यहाँ पे ये वाला वेब एड्रेस नहीं चलेगा, आपको अपना एक यूनिक एड्रेस बनाना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एक यूनिक वेब एड्रेस बना लिया था। जैसे आप यहाँ पे कोई अपना यूनिक वेब एड्रेस डालते हैं, देखिए यहाँ पे एक सही का निशान लग जाता है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, इन सब ऑप्शंस पे आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, आपको सीधे आके पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना वेब एड्रेस लिख लेना है यूनिक, और उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर साइट हैज़ बीन पब्लिश सक्सेसफुली। अब दोस्तों हमें इस साइट का लिंक यहाँ से लेकर उस साइट पर चलना है जहाँ हम अमेजन के एसोसिएट बिजनेस पार्टनर बन रहे थे, तो वहाँ पे हमें अपने वेबसाइट का लिंक देना था, तो हम वहाँ से यहाँ आए थे लिंक बनाने के लिए। अब हमने अपनी वेबसाइट बना ली है, पब्लिश कर ली है, और अब वेबसाइट का बाकी हिस्सा बाद में सेटअप करेंगे, पहले वहाँ हम लिंक प्रोवाइड करेंगे ताकि हम एक सिंगल क्लिक में अमेजन जैसी हूबहू ऑनलाइन साइट बना सकें। तो देखिए दोस्तों आपकी वेबसाइट का लिंक आपको ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया है, और आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली कॉपी लिंक पर क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अब वहाँ चलते हैं जहाँ अमेज़न पे हम बिजनेस एसोसिएट पार्टनर बन रहे थे। दोस्तों हम वापस से अमेज़न की उसी साइट पे आ गए हैं जहाँ पे हम अमेज़न के एसोसिएट बिजनेस पार्टनर बन रहे थे, और हमसे एक वेबसाइट का लिंक मांगा गया था।
तो हमने वहाँ से जो लिंक कॉपी किया है उसे हमें इस बॉक्स में पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों अब आपको ये ऐड वाला बटन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आपकी साइट यहाँ पे जो आपने 100% फ्री में बनाई थी वो यहाँ पे ऐड हो जाती है, और आपको इसी पेज पे अब नीचे आना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक। दोस्तों इस प्रोफाइल वाले पेज पे आपको अपनी यहाँ पे एक यूनिक आईडी भर देनी है, जैसे मैंने भरी है इसी टाइप की आप भी एक अपनी यूनिक आईडी बना लें। अगर यहाँ पे ना ले रहा वो आईडी तो आप दूसरी बना लें, हो सकता है वो पहले से किसी ने आईडी वो वाली बना रखी हो, यूज़ कर रखी हो, इस वजह से यहाँ पे वो आईडी ना ले रहा हो, तो आप कोई दूसरी आईडी भी बना सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि ये जो वेबसाइट है आपकी वो किस बारे में है, तो आप यहाँ पे सीधे लिख दें एफिलिएट प्रोग्राम से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ के नीचे जितने भी टॉपिक हैं इन्हें मैं जैसे भरूँगा आपको हूबहू ऐसे ही भर देना है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी प्रोफाइल बनने में कोई समस्या आ जाए, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिए। देखिए यहाँ पे आपको प्राइमरी वाले में टिक करना है, प्राइमरी टॉपिक में, और सिंपली आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंडरी वाले में आपको ये पहले वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ज्वेलरी शूज़ वाला, इसको ही सिलेक्ट कर लेना है। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इनमें से किन आइटम्स को, किन प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं। हमें तो सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगल क्लिक में आप इनके जैसी पूरी हूबहू वेबसाइट कैसे अपनी बना पाएंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों देखिए अब ये नीचे पूछ रहा है फिर से कि ये जो वेबसाइट है आपकी वो किस टाइप की है, तो यहाँ से आपको सिंपली ये शॉपिंग इंजन वाला ऑप्शन चुन लेना है, और सेकेंडरी में फिर जाके आपको फिर से वही शॉपिंग इंजन वाला ऑप्शन आपको चुन लेना है। और अब आप थोड़ा सा नीचे आइए, अब देखिए ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आता है, तो आप यहाँ पे सिंपली ईमेल, सोशल साइट और अदर्स पर क्लिक कर दें, क्योंकि ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो या तो ईमेल से आएगा, सोशल साइट से आएगा, या तो अदर से आएगा, तो आप ये टिक कर सकते हैं। चाहे तो आप और भी कुछ जो भी आपको लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पूछ रहा है कि जो आपकी ये वेबसाइट है इस पे पैसा कहाँ से कमाते हैं आप, तो सीधे आपको ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, अमेजन एसोसिएट द ओनली मोनेटाइजेशन आई यूज़, आपको इस पे सेलेक्ट कर देना है, और फिर सेकेंडरी में भी आपको यही सेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये आला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि ये बिल्ड लिंक में आपको जाना है, और सिंपली यहाँ पे आपको ये HTML एडिटर सेलेक्ट कर देना है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ यही आपको सेलेक्ट कर देना है। अब पूछ रहा है कि ये जो आपके साइट पे कितने विजिटर आते हैं, तो आपकी वेबसाइट नई है तो आप यहाँ लेस देन 500 पे टिक कर दें। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये जो मतलब प्रोग्राम है इनका, अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम, इससे आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर इन्हें बता दें कि भैया मैं इसे मोनेटाइज कराना चाहता हूँ और यहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ, जो एकदम सही बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कह रहा है आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पे लिख दें ऑनलाइन सर्च से, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, तो आपने ऑनलाइन सर्च के से इसके बारे में सुना है। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया गया है, आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा, दोस्तों मैंने यहाँ कैप्चा भर दिया है। आपको कैप्चा भरने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, जब आप नीचे आएंगे तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ फिनिश पर क्लिक करना है, जैसे फिनिश पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट लगभग तैयार हो जाएगा। देखिए लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपम शुक्ला, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजन इन एसोसिएट प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, और ये हमारी यूनिक आईडी देखिए बन गई है, योर यूनिक एसोसिएट आईडी, अब हमारी एक यूनिक एसोसिएट आईडी है, इसे आपको ध्यान से नोट करके कहीं पे रख लेना है। दोस्तों ये देखिए एक नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको इसको देख के घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है। दोस्तों ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ये बहुत ईजी काम है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। टैक्स वैक्स देख के आपको घबराना नहीं है, आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दें। देखिए ये पेज खुल गया है, यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट मेथड को ऐड करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ दोस्तों, जहाँ पे आपको
वेबसाइट कॉपी करनी है, इनके जैसे हुबहू कॉपी बनानी है। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे कैसे आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा, कैसे आपको जो ये टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन है ये भरनी है। यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी होती है, एक आपको पैन चाहिए होता है, वो पैन नंबर आपको यहाँ भर देना होता है। जब आप यहाँ से कोई कमाई करते हैं तो आपके अकाउंट में 10% जो कमीशन है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए आपके पैन नंबर की ज़रूरत यहाँ पर होती है। तो दोस्तों मैं आपको पहले अब इनके डैशबोर्ड पर ले चल के दिखा देता हूँ कि अमेजन एसोसिएट का डैशबोर्ड आपको कैसे दिखाई देगा। तो मैं आपके सामने इनका डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए ये आ गया लिख के, ये आपको कुछ गाइड कर रहा है। यहाँ से मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस में, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं हम आपको पैसा पे करने से पहले आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। सिंपली आपको अपना पैन नंबर देना होता है और कोई यहाँ पे जानकारी नहीं देनी होती है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कितने पैसा यहाँ से मिलता है। ये देखिए हेल्प पे जाके आपको एडवर्टाइजिंग फीस पर क्लिक करना है। ये देखिए जिसे हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट रेट आपको मिलता है। जैसे किचन से संबंधित कोई प्रोडक्ट आपकी साइट से बिकेगा तो उस पर आपको 9% मिलेगा, होम और बेबी से संबंधित कोई बिकेगा तो उस पर आपको 6% मिलेगा, मोबाइल फ़ोन कोई बिकेगा तो 1% मिलेगा। दोस्तों ये परसेंटेज, जैसे सपोज़ करिए कोई फ़ोन 20,000 का है तो उसका 1% आपको मिल जाएगा, कोई फ़ोन 10,000 का है तो उसका 1% आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये अच्छी खासी इनकम होती है। आप इस वेबसाइट को बनाकर अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे तो आप अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है कि आप जब इस वेबसाइट को बनाएं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर से 180 दिन में कम से कम 3 परचेजिंग होनी चाहिए। मिनिमम 3 परचेजिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने रखी है कि आपको 3 परचेजिंग आपके वेबसाइट से 180 दिन के अंदर हो जाए। की डिटेल आपको दिखा देता हूँ, आपको होम पेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अर्निंग ओवरव्यू दिखा रहा है, जब आपको यहाँ से कमाई होगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये देखिए दोस्तों और नीचे जब आप आएंगे तो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट आज की डेट में अमेजन पे सबसे ज़्यादा डिमांड है, इनकी सबसे ज़्यादा ये बिक रहे हैं प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट आज की डेट में अमेजन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक सिंगल क्लिक में अमेजन की ये पूरी ऑनलाइन वेबसाइट को अपनी उस 100% फ्री वेबसाइट पर कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऊपर आ जाना है इस वेबसाइट पे और ये विजिट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और ये सर्च वाले ऑप्शन को खोल लेना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे खोलना है। सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया है, आपके सामने देखिए एक पेज ओपन होगा। ये देखिए पेज खुल गया है। अब आपको सिंपली यहाँ नीचे आने के बाद ऐड टू योर वेब पेज, आपको ऐड टू योर वेब पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलेगा। ये देखिए पेज खुल गया है। अब दोस्तों हमको इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग कर लेनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिखा रहा है ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है, हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है कि ये हमारी साइट पर थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए हमें यहाँ से साइज की कुछ सेटिंग करनी है। इसमें से आपको ये 160x600 वाली जो साइज है इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो अभी दिख रहा था ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ये थोड़ा सा ठीक दिखने लगा। ये देखिए ये सही से अब दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप 160x600 कर सकते हैं। और अब ये नीचे देखिए यहाँ पे कुछ हम इस पर कलर सेटिंग कर लेते हैं। कलर जब इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, वैसे कलर का ये पूरा जो है खुल जाएगा। आप जहाँ जहाँ ले जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे कलर चेंज होता चला जाएगा। जैसे ये सेलेक्ट कर दिया हमने तो अभी देखिए यहाँ पे जो खुलेगा उसमें ये हल्का सा रेड कलर आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने खुल रहा है, ये देखिए हल्का सा ये रेड हो गया है। दोस्तों ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे, दोस्तों अब यहाँ से हमने कलर की सेटिंग कर ली है। और मैं आपको बता दूँ कि आपको जो सेटिंग मैंने यहाँ पे की है वही सेटिंग करनी है। अगर आप उसके अलावा कोई और सेटिंग करेंगे तो ये जो पेज है वो आपकी वेबसाइट पर सही से दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप सेम सेटिंग जो मैंने यहाँ पर करी
आपको यही सेटिंग करनी है। साइज में आपको 160 इंटू 600 ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे कलर अपने हिसाब से जो आप चाहें वो सेट कर सकते हैं, लेकिन साइज आपको यही रखनी है, नहीं तो आपकी साइट पर वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट को अपनी फ्री वाली ऑनलाइन वेबसाइट पर कैसे यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर फ्री वाली साइट पर पेस्ट करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ नीचे आना है, ये देखिए कॉपी ऐड कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको हाईलाइट ऐड कोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको इस पर कर्सर रख के राइट क्लिक करना है और ये आपने सिंगल क्लिक में इनकी पूरी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कॉपी कर लिया। दोस्तों ये अमेजन की तरफ से 100% लीगल है, इसमें कोई भी इनलीगल काम नहीं है। ये अमेजन खुद बोलता है कि आप हमारी साइट को कॉपी कर सकते हैं हमारे अमेजन के एसोसिएट पार्टनर बनने के बाद। दोस्तों आप इनके अमेजन के एसोसिएट पार्टनर अब बन चुके हैं और आपने एक सिंगल क्लिक में इनकी पूरी ऑनलाइन वेबसाइट को आपने कॉपी कर लिया है। और अब हम ये जो लिंक हमने कॉपी किया है इसे हम अपनी फ्री वाली साइट पर ले चलेंगे और वहाँ पे कैसे सेटअप करना है मैं आपको बताता हूँ। और ये लिंक जो आपने यहाँ से कॉपी किया है अभी ये कहाँ पेस्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी इसको हम यहीं रोक देते हैं और हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ हमने अपनी फ्री वेबसाइट बनाई थी। तो दोस्तों ये मैं अपने गूगल वाली साइट यहाँ पे हम बना रहे थे, वापस वहाँ पे हम आ गए हैं। आपको यहाँ पे एम्बेड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यहाँ आने के बाद, और फिर उसके बाद ये जो एम्बेड फ्रॉम वेब पेज खुल जाएगा आपको यहाँ पे बाई यूआरएल के बाद जो सेकंड ऑप्शन है एम्बेड कोड इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ से जो हमने कोड कॉपी किया था उसे हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया है। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, सीधे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसमें कोई भी एडिट आप ना करें, आपको यहाँ पे सीधे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस में टाइम लगता है, जैसे ही यहाँ पे ये पेज आपका खुल जाए आपको यहाँ पे इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना होता है। ये देखिए पेज लोड हो गया है, अब यहाँ इंसर्ट हम कर देते हैं। जैसे आप इंसर्ट कर देंगे आपके सामने ये पेज जो है आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ये देखिए आपकी वेबसाइट के ऊपर ये पेज लोड होना शुरू हो गया है। ये देखिए आपने एक सिंगल क्लिक में अमेजन की पूरी ऑनलाइन साइट को अपनी फ्री वाली साइट पर कॉपी कर लिया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको बताऊँ। अब इस पेज को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना हुआ है क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये वाला जो पॉइंट दिखेगा आपको इससे इस पेज को थोड़ा सा नीचे की ओर डाउन करना है। आप हल्का हल्का डाउन करिए तो ये पेज जो है देखिए आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है उसमें, और जब ये पूरा पेज ऊपर आ जाए तो आप क्लिक कर दें तो ये देखिए ये एडजस्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ये पेज लोड हो जाएगा ठीक से। ये देखिए ये पूरा पेज अब दिखने लगा है, लेकिन इसकी साइज़ जो है दोस्तों वो हमारे वेबसाइट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हमें इसकी साइज़ को एडिट करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको एडिट वाले पे जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एम्बेड फॉर द वेब खुल जाएगा। इसमें ये देखिए जो ये लाइन दी गई है इसे एकदम ऊपर ले जाना है, टॉप में, आपको एकदम टॉप में। जब यहाँ ऊपर कुछ भी ना बचे, एकदम टॉप पे आ जाएं, तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन के नीचे जहाँ पर ये देखिए 160 लिखा हुआ है, आपको इसको जो है यहाँ से डिलीट करना है, सिर्फ 160 को। ये आपको 160 यहाँ से सावधानी से सेलेक्ट कर लेना है और इसको जो है 160 को सिर्फ आपको डिलीट कर देना है, इसको हटा देना है। जैसे आप इसको हटा दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे 320 लिखना है, 320 लिख देना है, और कुछ आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये कोडिंग गड़बड़ हो जाएगी। अब ये देखिए कुछ पहले से बड़ा भी दिख रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो सारे हमें कायदे से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए खुल गया। अब इसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो आउटलाइन है यहीं पर हमको ये देखिए चारों तीर बनी हुई दिखाई दे रही हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके थोड़ा सा इसको खिसका के हमें बीच में लाना है, खिसका खिसका के हमें इसे बीच में लेके आना है कि अब ये एडजस्ट हो गया है।
अब हम अपने वेबसाइट को थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं, जिससे ये मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तीनों पे देखने में अच्छी लगने लगे। इसके लिए हम ये बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया था, इस बैकग्राउंड को हम चेंज करेंगे। अब चेंज करने के लिए हमें ये चेंज वाले इमेज पे जाना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट इमेज पे जाना है। यहाँ से हमें गूगल ही कॉपीराइट फ्री इमेज दे देगा जो हम बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। आपको सर्च पे जाना है और यहाँ से गूगल में आपको सर्च कर लेना है ऑनलाइन शॉप। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑनलाइन शॉप लिख दिया है, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बहुत ढेर सारी इमेज आ जाएंगे, ये देखिए आ गए हैं। आप अपने को जो अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं ये पहले वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये इमेज ले लेना है और लेने के बाद ये देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने ये बैकग्राउंड यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमारे साइट का जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो चुका है। अगर आप इस बैकग्राउंड में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, इसको इधर उधर खिसकाना चाहते हैं, इसको डाउन करना चाहते हैं, तो देखिए ये एंकर इमेज का एक टूल है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इस इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को मूव करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारी जो साइट बनी है ये मोबाइल पे, टैबलेट पे और लैपटॉप पे कैसी दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको ये बटन जो है, ये प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रीव्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो वेबसाइट खुल रही है ये ऐसी हमारी टैबलेट पर दिखाई देगी। ये देखिए जो साइट खुली हुई है ये टैबलेट पर इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए टैबलेट पर इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मोबाइल ख़रीदना चाहता है तो वो मोबाइल सर्च कर लेगा, ये देखिए मोबाइल वो सर्च कर लेगा तो उसके सामने मोबाइल की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए वो ये रेडमी का 9A ख़रीदना चाहता है और यहाँ पे उसने क्लिक कर दिया तो यहाँ से वो रिडायरेक्ट होके सीधे अमेज़न की वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। और यहाँ से जब वो इस फ़ोन को ख़रीद लेगा तो इसका जो परसेंटेज है, 10% आपको मिलेगा, वो आपके अकाउंट में अमेज़न के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब मानिए कि वो ये फ़ोन ख़रीदने के लिए आपकी वेबसाइट से, अमेज़न की साइट के ऊपर आता है लेकिन वो फ़ोन ना ख़रीद के कुछ और ख़रीद लेता है, तो उस कंडीशन में भी आपका कमीशन पक्का है। कमीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो पहली बार जब आया इस वेबसाइट के ऊपर तो वो आपके वेबसाइट के लिंक से आया है, जो आपने फ्री वाली वेबसाइट, अमेज़न की कॉपी वेबसाइट बनाई है वहाँ से यहाँ आया है, इसलिए आपका कमीशन पक्का है, आपको कमीशन मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि अब हमारी जो ये साइट है ये मोबाइल पर कैसे दिखाई देगी। हम मोबाइल पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से वेबसाइट जो है हमारे मोबाइल पे दिखाई देगी। और अब हम लैपटॉप पे देख लेते हैं, ये हम लैपटॉप पे क्लिक करते हैं, देखिए लैपटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब दोस्तों हम ये वाला पेज जो है बंद कर देते हैं कट करके। दोस्तों हम अपनी साइट को थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं, और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे अमेज़न से कुछ और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ले आते हैं और अपनी साइट पर पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें वापस उसी साइट पे जाना है जहाँ से हमने अमेज़न की एसोसिएट मेंबरशिप ली है। चलिए हम उस वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम उस वेबसाइट पे आ चुके हैं और आपको यहाँ प्रोडक्ट लिंक वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सेकंड प्रोडक्ट लिंक वाले ऑप्शन को आपको चुन लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा, ये देखिए एक न्यू पेज खुल गया है। यहाँ आपको सबसे नीचे आना है इस पेज में। इस पेज में जैसे आप नीचे आएंगे देखिए यहाँ लिखा है लिंक टू बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बाई कैटेगरी। यहाँ से आपको फ़िल्टर कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चुन लेता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा वैसे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहाँ पे देखने लगेंगे जो अमेज़न की साइट पे इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी साइट पे कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट हमें अपनी साइट पे लगाना है तो आप जैसे इस प्रोडक्ट ऊपर जाएंगे आपको गेट लिंक का ऑप्शन दिखने लगेगा, कर्सर रखते ही दिखने लगेगा, आपको गेट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, ये देखिए पेज खुल गया है। आपको इस पेज पे भी नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट ऑनली, इमेज ऑनली और ऐड विजिट। आपको ऐड विजिट वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों ये यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है इसको चेंज करके आपको ये 1x150 रेक्टेंगल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विजिट टाइटल जो है ये चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है बेस्ट फ़ोन, अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेस्ट फ़ोन लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इनके रिव्यू जाके अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर पढ़ लेना है
और उनका एक मिला जुला रूप आपको यहाँ पे ले आके 150 शब्द के अंदर टाइप कर देना है, जिससे आपके वेबसाइट पे आने वाला कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में ये कमेंट पढ़े और उसे ये प्रोडक्ट समझ में आए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, और वो यहाँ जाके इस प्रोडक्ट को क्लिक करे और अमेजन की वेबसाइट से बाई कर ले और आप घर बैठे 10% कमीशन कमा सकें। दोस्तों देखिए ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर आप चुन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने ये ग्रे वाला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपडेट प्रीव्यू पे करेंगे तो यहाँ पे ये कलर अपडेट हो जाएगा, ये ग्रे दिखने लगे, देखिए ग्रे हो गया। मैं वापस से इसको ब्लू कर देता हूँ, ये देखिए ब्लू करने के लिए फिर से आप अपडेट करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ये देखिए ब्लू हो गया। अब आपको इस प्रोडक्ट के लिंक कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ सेव एंड गेट कोड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए अभी एक कोड खुल के आ जाएगा, ये देखिए कोड खुल गया है। आपको इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, पूरा जो है कोड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पे जाना है जो आपने फ्रेम बनाई थी। ये देखिए उस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। आपको यहाँ एम्बेड पे क्लिक करना है, एम्बेड पे क्लिक करने के बाद एम्बेड कोड पे जाना है, एम्बेड कोड में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे जो ये पेज अपलोड हो जाएगा, तो आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए प्रोडक्ट लोड हो गया है, आपको यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये वाला यहाँ पे चला आया और ये वाला यहाँ पे हो गया। अब हमें इसे ठीक से एडजस्ट करना है, तो इसके लिए पहले हमें इसे जो है थोड़ा सा छोटा करना होगा। आपको पहली बार करने में दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये देखिए छोटा हो रहा है, बस इसको यहाँ से क्लिक कर देना, इसको यहाँ से आपको थोड़ा सा इधर सेट कर देना है ताकि ये जो नीचे भाग गया है प्रोडक्ट लिस्ट, ये आसानी से ऊपर दिखाई दे सके। ये देखिए दोस्तों ये एडजस्ट हो गया है, इसको अब आप ऊपर लाएं, यहाँ पे यहाँ ला के आप जो है इसको रख दें तो ये एडजस्ट हो जाएगा वापस यहाँ पे। ये देखिए ये एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए एडजस्ट हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से ये पूरा यहाँ पे ये साइट सेटअप करके दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए दोस्तों ये हमने अपनी वेबसाइट को और आकर्षक बना लिया है, देखिए हमने और यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। ऐसे प्रोडक्ट आप जितने भी मर्जी चाहें उतने प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, जितना भी आप चाहें यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पर क्लिक करना होता है, आपको यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करना होता है, क्योंकि आपने जब भी यहाँ प्रोडक्ट ऐड करेंगे आपको यहाँ पब्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो चेंजेस आपने किए हैं ये नहीं होंगे। आपको यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है, जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे ये साइट पब्लिश हो जाएगी और आपके जो प्रोडक्ट यहाँ पे अपडेट हुए हैं वो आपके अपडेट यहाँ पे बने रहेंगे। ये देखिए दोस्तों आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, ये देखिए ये वेबसाइट देखिए अब ये पब्लिश हो चुकी है। ये देखिए लिख दिया योर साइट हैज़ बीन पब्लिश सक्सेसफुली, ये देखिए पब्लिश हो गई है साइट हमारी। अब इसका लिंक जो है ये यहाँ से हमें दोबारा इसका लिंक यहाँ से निकालना है। अब हमें वहाँ लिंक नहीं देना है दोस्तों कि अमेजन के साइट पे जाके दोबारा ये लिंक देना है, हमें ये लिंक अब यहाँ से लेके अपने सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी हम जिसको व्हाट्सएप स्टेटस में या कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिससे लोग हमारी इस साइट के ऊपर आएँ और परचेजिंग करें। जब परचेजिंग करेंगे तो अमेजन की तरफ से आपको घर बैठे बिठाए लाइफ टाइम तक जितनी परचेजिंग होगी उसका 10% तक का कमीशन आपके खाते में आता रहेगा। अब आपको बार बार यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि अब जब यहाँ से आपकी वेबसाइट बन गई है, अब आपके साइट पे कोई कस्टमर आके परचेजिंग कर लेता है, उसका जो 10% कमीशन है वो आपके खाते में कहाँ से आएगा। हमने अभी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन और टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं भरी थी, वो हमें भरना है। हमें वापस अमेजन की साइट पर जाना है और वहाँ से ये दोनों डिटेल भर लेनी है। तो चलिए हम अमेजन की साइट पर वापस चलते हैं। दोस्तों देखिए अमेजन की साइट पे हम आ गए हैं। जब आप इस पे साइट पे आएंगे तो इम्पॉर्टेंट नोटिस करके जो मैसेज आ रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन, बिफोर वी कैन पे वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक पेज खुल के आ जाएगा, ये देखिए पेज आपके सामने खुलेगा, ये देखिए पेज खुल गया है। इस पेज में आपको देखिए पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको ये देखिए लिखा है
इंडिया करंट टैक्स स्टेटस इनकम्प्लीट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इस पे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर देना है। टैक्स वैक्स देख के आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना पैन नंबर देना है और कुछ नहीं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट है, आपको यहाँ पे वो नाम लिख देना है, ठीक है, जिसके नाम से ये बिजनेस है। किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, अपना नाम लिख दें, पैन नंबर, उसके बाद आपको ये देखिए इंडिया सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। पैन नंबर लिख देने के बाद सीधे आपको नीचे आना है, GST नंबर आपको नहीं देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर में अपना फुल नाम लिख देना है, देखिए लिखा है टाइप योर फुल नेम, और उसके बाद आपको सीधे नीचे आके ये देखिए सबमिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपकी टैक्स डिटेल सबमिट हो जाएगी, आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी है। उसके बाद आप यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको अपना पेमेंट जो है कैसे आएगा, आपको बैंक अकाउंट कहाँ पर ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। दोस्तों जब आप ये टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ यहाँ कम्प्लीट लिख जाएगा। देखिए दोस्तों इसी पेज पे जहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस में हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है उसी के नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हमको इस पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों ये पेज खुल गया है, यहाँ पे हमको जो है अपनी अकाउंट की डिटेल को भरना है। इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो लिखा है पे मी NEFT इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये डिटेल खुल गई, आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट होल्डर नेम लिख देना है, आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है दो बार, यहाँ पे आपकी जिस बैंक में खाता है वो बैंक नेम लिख देनी है, यहाँ FSC कोड भर देना है। और नीचे देखिए दोस्तों ये देखिए जो यहाँ पे ये नो है, यहाँ पे नो ही रहना है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे आपकी पेमेंट डिटेल अपडेट हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको ये समझा दिया कि आप अमेजन के एसोसिएट बिजनेस पार्टनर कैसे बनेंगे, आप अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको बनवा दिया, आपको यहाँ से पैसा कैसे आपके खाते में आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया, टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में भी समझा दिया। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।